लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह सूफी शायर, मुफक्कर, दानिश्वर और फलसफी थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ना सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद के तमाम मुसलमानों के अंदर एक बेदारी पैदा की, बल्कि आज भी उनकी शायरी उम्मत मुसलमा के हर तबके के लिए मशले राह है। आज 9 नवंबर के मौके पे जब हम अपने शायर मशरक लामा इकबाल का यौम पैदाइश मना रहे हैं, मुझे एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ रहा है और शेर कुछ इस तरह से है। खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इस शेर की फिलॉसफी बहुत खूबसूरत है, जिसमें एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आजकल के नौजवान कल का फ्यूचर है, इनका विजडम, इनका इंटेलेक्ट हम तमाम असातज़ा के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको मौके फराहम करें कि वो अपने इंटेलेक्ट को, अपने विजडम को हमारे साथ शेयर करें। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। आज हकीम उम्मत डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश है और आज के दिन मैं नौजवानों को अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी से यही पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान को अगर अपना मुकाम हासिल करना है और तरक्की की मनाजिल तय करनी है तो पाकिस्तान के नौजवानों को आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा और पोलराइजेशन से निकलना पड़ेगा और एक कौम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करनी पड़ेगी। So I would like you to discover yourself and just live the essence of Iqbal in your daily life. Happy Iqbal's Day and may you be the true Shaheen of Iqbal.